नमस्कार दोस्तों, मैं विजुपन आपको स्वागत करता हूँ CISF कांस्टेबल एंड SI की रिक्रूटमेंट 2020 के इस वीडियो पे। CISF वैकेंसी निकला है 2020 के लिए। दोस्तों आइए जानते हैं 2020 में कौन कौन से पदों में, कितने पदों में CISF के कांस्टेबल और SI में पद आए हैं। तो चलिए, CISF कांस्टेबल एंड आप देख रहे हैं इन स्क्रीन पे, आप देख रहे हैं CISF कांस्टेबल एंड SI इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर इंस्टेट कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट 2020। तो हेयर इज़ अ लॉट वैकेंसी, इतना वैकेंसी निकला है आपको लिए। कितना वैकेंसी निकला है CISF कॉन्स्टेबल एंड SI पोस्ट एंड वैकेंसीज, आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2000 पोस्ट है, 2000 पोस्ट निकला है इसके लिए। नेम ऑफ द पोस्ट, पोस्ट का नाम है कॉन्स्टेबल एंड सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर और कॉन्स्टेबल के लिए ये पद निकले हैं, यानी पोस्ट निकले हैं। CISF कॉन्स्टेबल एंड SI एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या क्या एलिजिबिलिटी कैटेगरिया होंगे इस वीडियो, इस पदों के लिए, आइए जानते हैं। CISF कॉन्स्टेबल एंड SI एज लिमिट, क्या एज लिमिट होंगे। कैंडिडेट एज शुड बी बिटवीन 23 to 18, यानी कि फॉर कॉन्स्टेबल, यानी कि आप कॉन्स्टेबल में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 18 से 23 ईयर्स तक होने चाहिए। ईयर एज लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने तक आपकी डेट होना चाहिए। कैंडिडेट एज शुड बी बिटवीन 18 to 25 फॉर सब इंस्पेक्टर, अगर आप सब इंस्पेक्टर की अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एज 18 to 25 तक होना चाहिए आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने तक। एज रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है 5 ईयर्स मिल सकता है अगर आप SC ST हो, अगर 3 ईयर्स आपको चाहिए तो आप OBC होना ज़रूरी है। CISF कॉन्स्टेबल एंड SI एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपको बता देते हैं। ए कैंडिडेट शुड हैव पास 10 स्टैंडर्ड फॉर कॉन्स्टेबल, अगर कॉन्स्टेबल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 10th आपकी स्टैंडर्ड जो पास किया हुआ होना चाहिए। अगर आप SI बनना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो यानी कि ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन चाहिए SI सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, और 10th स्टैंडर्ड पास किया हुआ चाहिए कॉन्स्टेबल पोस्ट के लिए। आइए जानते हैं CISF कॉन्स्टेबल SI के फिजिक पे स्केल के बारे में, यानी कि सैलरी के बारे में। आपको स्क्रीन पे देख रहा होगा 5200 से आपको 20200 तक 2000 ग्रेड पे के साथ पर मंथ आपको मिल सकता है कॉन्स्टेबल में, और CISF SI में आपको मिल सकता है 8200 से 34900 2600 ग्रेड पे के साथ पर मंथ आपको SI में मिल सकता है। CISF कॉन्स्टेबल एंड SI सिलेक्शन प्रोसेस क्या होंगे। सिलेक्शन प्रोसेस आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पहले देना पड़ेगा, उसके बाद PET होगा, यानी कि फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, आपकी रन होगा आपको शायद PMT होगा, PM मतलब आपकी फिजिकल मेजरिंग टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद CISF कॉन्स्टेबल एंड SI एप्लीकेशन फीस के बारे में जान लेते हैं। आइए SC ST और PWD EXM के दो कैंडिडेट होंगे, उसके लिए फीस कोई भी नहीं लिया जा रहा है। फॉर बाकी OBC और वो दूसरे पोस्ट दो जनरल है, उसके लिए 100 रुपये आपको देना पड़ेगा। और CISF कॉन्स्टेबल SI एंड हाउ टू अप्लाई, इसके बारे में आपको बता देते हैं कि आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे। इसको अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा। वीडियो वो है www.cisf.gov.in, इस पे आपको जाके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा। हु कैन अप्लाई, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स कैन, ये जो पोस्ट है वो इंडिया कैंडिडेट्स ओनली अप्लाई कर पाएंगे, मेल एंड फीमेल। हाउ टू अप्लाई फॉर CISF कॉन्स्टेबल एंड SI रिक्रूटमेंट 2020, कैसे अप्लाई करेंगे। पहले बता चुकता हूँ कि आप वेबसाइट में जाएंगे, उस वेबसाइट आपको फॉर्म के लिंक जो दिख रहे हैं दिखेंगे, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको CISF कॉन्स्टेबल एंड SI के जनरल रिक्रूटमेंट 2020 पे क्लिक करना है। उसके बाद आप अपनी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे सबमिट करेंगे। सक्सेसफुली आपको सबमिशन होने के बाद आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को अपनी प्रिंट आउट के जरिए प्रिंट आउट करवा लेंगे। उस एप्लीकेशन मोड ओनली ऑनलाइन होगा, आपको ऑफलाइन में ये फॉर्म नहीं मिल सकता है और ऑफलाइन में ये सबमिट नहीं हो पाएंगे, तो आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। CISF कॉन्स्टेबल एंड SI इंपॉर्टेंट डेट्स, आपके लिए अभी तक घोषित नहीं किया गया है कि स्टार्टिंग डेट कब होगा। स्टार्टिंग डेट अब तक नहीं बताया गया है, अगर जल्दी ही आपको बता देंगे। अगर आपको ये डेट को मालूम होता है हमें, तो आप हमें
ज़रूर हम एक वीडियो बना कर बोलेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट डेट भी नहीं बोला गया है, स्टार्टिंग डेट भी नहीं बोला गया है, तो इसीलिए आपको अगर बोलता जाता है तो हम वीडियो बना के आपको बता देंगे। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। तो ये था आज का वीडियो, और वीडियो के बारे में अगर आपको वीडियो को अच्छा लगा है तो CISF कॉन्स्टेबल एंड SI रिक्रूटमेंट 2020 के बारे में जानकर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ आपको जुड़ी रहिए, जो न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे, डिफेंस रिलेटेड हो या जॉब रिलेटेड हो, ऑल इंडिया जॉब हो, आप हमारे वीडियो में आपको मिलता रहेंगे, और इसके न्यू नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहेंगे। तो आप चैनल में जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा आपको अनुरोध है कि मेरा लैंग्वेज थोड़ा गड़बड़ होता है हिंदी बोलने में, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता हूँ, मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।